हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लता संतानी क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों के साथ व्रत स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, साबूदाना और आलू से बना यह नाश्ता बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा है। इसके साथ दही और सेंगदाना यानी मूंगफली को मिक्स करके मैंने चटनी बनाई है। इसके साथ हम सर्व कर रहे हैं। देखिए, यह आलू और साबूदाना का वड़ा है। इसे वैसे हम डीप फ्राई करते हैं, बट मैंने यहाँ डीप फ्राई नहीं किया है, इसे अप्पे मोल्ड में बनाया है। अप्पे मोल्ड में लो फ्लेम पर बनाने से यह अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली को सेक लेंगे। मूंगफली यानी पीनट को लो फ्लेम पर सेकना है, इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और खाने में भी टेस्ट देगा। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो यह अच्छी तरह से नहीं सिकेगा और कहीं से वो जलेगा भी। इससे अच्छा इसे लो फ्लेम पे ही करें। पीनट अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इसे हम प्लेट में ले लेंगे। अब उबले आलू लेकर उन्हें ग्रेट करते जाएंगे, इससे हमारे वड़े में या कटलेट में कहीं भी लम्स नहीं आएंगे। एक कप साबूदाना लेंगे और उसे वाश कर लेंगे। साबूदाना वाश करते समय उन्हें रगड़ना नहीं है, उन्हें हल्के हाथों से ही धोना है। साबूदाना वाश करने के बाद उसके ऊपर आधा इंच लेयर ऊपर पानी आए उतना पानी डालकर इसे ढककर रखना है। 7-8 घंटों के लिए ढककर रखना है या फिर ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। 7-8 घंटों के बाद साबूदाना दबाकर देखें तो वे अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं, इसका मतलब वे अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब सेंगदाना अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें दरदरा ही ग्राइंड करना है और देखिए कलर कितना अच्छा है, क्योंकि इसे हमने लो फ्लेम पर सेका है। अब एक बड़े बर्तन में साबूदाना डालेंगे और मैश किए हुए आलू डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे। ग्राइंड की हुई हरी मिर्च डालेंगे। फ्रेश धनिया धोकर कट करके डालेंगे। 4-5 चम्मच ग्राइंड किया हुआ पीनट डालेंगे। दोस्तों, पीनट डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सब को अच्छी तरह से मैश करते हुए गूंद लेंगे। दोस्तों, आलू को ग्रेट करके डाला है, इससे हमें डो बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हमारा डो तैयार है, इसमें अब थोड़ा घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप घी की जगह बटर या तेल भी यूज कर सकते हैं। इसमें से आधे डो का मैं वड़े बनाऊंगी और आधे डो का थाली पीठ बनाऊंगी। चलिए थाली पीठ बेलना शुरू करते हैं। प्लास्टिक बैग लेंगे और उस पर घी लगाएंगे और उसके ऊपर डो रख के उसे बेलते जाएंगे। हाथों से ही हमें उसे फैलाना है। इसे आप भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं। एक हाथ से इसे फैलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे गोलाई का शेप देते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से बाकी के थाली पीठ भी तैयार कर लें। पहले प्लास्टिक पर घी लगाएं और उसके ऊपर डो रखें और उसे हाथों से हल्के हाथों से फैलाते जाएं और दूसरे हाथ से गोलाई का शेप देते हुए तैयार करें। दोस्तों, अगर आप यह व्रत में बना रहे हैं तो काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ लगता है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। गैस ऑन करके तवा रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा घी लगाएंगे और उसके ऊपर एक एक करके थाली पीठ रखते जाएंगे। साबूदाना और आलू का ये थाली पीठ बहुत ही लाजवाब बनता है। इसे बेलते समय काफ़ी पतला रखें, इससे वे जल्दी सिक जाएंगे। मैंने यहाँ बारीक वाले साबूदाना यूज किए हैं। अगर आप मोटे वाला साबूदाना यूज करेंगे तो उसे पहले दरदरा ग्राइंड कर लें, उसके बाद ही यूज करें।
ऐसा करने से थाली पीठ अच्छे पतले बनेंगे। चलिए अब गैस ऑन करके अप्पे मोल्ड रखेंगे और उसमें घी लगाएंगे और उसमें हम साबूदाना बॉल्स रखेंगे। साबूदाना वड़ा को लो फ्लेम पर ही हमें सेकना है। लो फ्लेम पर सेकने से ये अंदर तक अच्छे तरह से पकेंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सब पर घी लगाना है और सिकने के बाद इन्हें पलट लेना है। साबूदाना थाली पीठ एक तरफ से सिक गए हैं, अब इनके ऊपर घी लगाकर पलट लेंगे। घी, तेल, बटर ये सब ऑप्शनल है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप घी न लगाएं तो भी चलेगा, ये अच्छे से सिक ही जाएंगे। ये एक तरफ सिक गए, अब इन्हें पलट लेंगे। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। एक तरफ साबूदाना थाली पीठ सिक रहा है तो दूसरी तरफ साबूदाना वड़ा सिक रहे हैं। इस तरह से बहुत ही कम समय में आप दोनों डिशे बना सकते हैं। साबूदाना वड़ा को चारों तरफ से अलट पलट कर सेक लें। साबूदाना थाली पीठ अच्छी तरह से सिक गए हैं, अब इन्हें हम प्लेट में उतार लेंगे। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। साबूदाना वड़ा भी तैयार है, अच्छी तरह से सिक गए हैं, इन्हें भी हम प्लेट में ले लेंगे। दोस्तों साबूदाना वड़ा भी लो फ्लेम पर सेकने से कितने सुनहरे लग रहे हैं। फेटी हुई दही में 3 से 4 चम्मच ग्राइंडेड पीनट डालेंगे। अब इसमें हरी मिर्च कुटी हुई डालेंगे, स्वादानुसार ब्लैक पेपर भी डालेंगे, हरी धनिया धोकर कट करके डालेंगे। दही और पीनट का कॉम्बो थाली पीठ के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। एक बार इसे जरूर ट्राई करके देखें दोस्तों, आप बार बार बनाना चाहेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपका यह थाली पीठ कैसा बना कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों इसे तोड़ के दिखाते हैं। देखिए तोड़ने में कितना सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी भी है। दही और पीनट की चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब है। देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। अब देखिए साबूदाना वड़ा अंदर से अच्छी तरह से कुक हो गया है, क्योंकि इसे हमने लो फ्लेम पर ही सेका है। आ गया ना मुंह में पानी, तो देर किस बात की, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।